गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल गुरु पर। दोस्तों यहां पर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके कमेंट्स के जवाब। तो आप लोग कमेंट्स करते हैं, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके कमेंट्स के जो है जवाब मैं आज दूंगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन से कमेंट्स कर रहे थे और जवाब मेरे द्वारा नहीं दे पा रहा था मैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के संतुलित और सरल भाषा में उत्तर दे सकूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। राजकुमार मंडल जी पहला कमेंट कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं यहाँ डाउनलोड नहीं होता है स्वयं प्रभा के बारे में। राजकुमार जी, ये जो डाउनलोड नहीं होता है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, लेटेस्ट आप देख लीजिए, लेटेस्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो बनाया है मैंने वीडियो, वहाँ पर जो है आप देख लीजिए। दूसरा कमेंट है वो है, और जी आपको बताना चाहूँगा राजकुमार जी कि आप CEC UGC चैनल सर्च कर लीजिए, वहाँ पर DLED की वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आप और भी अगर आप चाहते ज्ञान मित्र करके एक चैनल है, ज्ञान मित्र, उसको सर्च कर लीजिए, वहाँ पर भी DLED की वीडियो मिल जाएंगे। और स्टडी मटेरियल आप जो है मंगवा लीजिए, NIOS की साइट पर देख लीजिए, वहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा। इमदादुल हैक जी पूछ रहे हैं रीजनल लैंग्वेज बंगाली में स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। देखिए NIOS की साइट पर जाइए, बंगाली में अगर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट करा लीजिए। और अगर ये सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप NIOS के कॉल सेंटर पर कॉल करिए, NIOS के जो भी कॉल नंबर है वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर कॉल करके पता करिए कि बंगाली में जो है स्टडी करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो सब वहाँ पर पता पड़ जाएगा। और मध्य प्रदेश समाचार के 9:10 के हमारे जो एपिसोड था उस पर प्रीति जायसवाल जी कह रही हैं नाइस वीडियो सर, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। और सुरेश कुमार जी बोल रहे हैं थैंक्स सर, थैंक्स नहीं लिख पाए वो, कोई बात नहीं सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है किशोर बदानी जी कमेंट कर रहे हैं सर मेरा वाला में वो एम का ऑप्शन नहीं है, ये मेरा आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है किशोर जी, आप जो है फिर से एक क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं। वर्षा गुप्ता जी, ये हमारा जी बिल्कुल वर्षा गुप्ता जी आप कह रही हैं साउंड क्वालिटी सही कीजिए, बिल्कुल हमने साउंड क्वालिटी को फिर हमने जो है आपको जो है MP3 वर्जन में दिया है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि वो अपलोड नहीं हुआ था, वो लेटेस्ट जो वीडियो था वो नहीं था हमारे पास, तो उसके कारण हमको जो है ऑडियो जो है रिकॉर्ड करके आपको देना पड़ा था, इसलिए वो जो है वहाँ पर ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं थी। बट हम कोशिश करेंगे आगे से कि आपको जो ऑडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं दोस्तों, तो नीर महर जी ये पूछ रहे हैं कि CTET के मार्क्स कैसे भरने हैं। देखिए वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको CTET के जो फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर दिख रहा होगा कि CTET के मार्क्स कहाँ पर भरना है, तो देख लें आप, और उसमें फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि CTET के मार्क्स आपको कहाँ पर भरना है, और CTET के मार्क्स के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि CTET भी एक आवश्यक जो है, वैसे यहाँ पर भी परीक्षा हो रही है तो आई थिंक CTET का और इसका कुछ रिलेशन होना चाहिए, बट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो खुद एग्ज़ाम ले रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो इसके मार्क्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा जहाँ तक है। आमरिक सिंह, ये DED BED के बारे में इनकी कोई इच्छा है, पहले DED कर रखा तो अब क्या BED के लिए 20 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, DED कर रखा है BED के लिए, BED कर लीजिए ना आप, आगे BED का कोर्स आए तो अवेलेबल हो तो आप NIOS पे देख लीजिए, बट अभी ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है, ये तो अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए। और ये पूछ रहे हैं एंड जो ओनली जो टीच कर रहे हैं वही कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल टीच कर रहे हैं वही कर सकते हैं, BED करनी कैसे है। ओके, यहाँ पर अंशिका राजकुमारी जी पूछ रही हैं साइट क्या है, ये स्वयं प्रभा पर वीडियो नहीं चल पा रहे हैं, मिल गए उपाय कि कोई इसका इस वीडियो पर ये पूछ रही हैं। तो देखिए साइट स्वयं पर आप जाकर स्वयं की जो साइट है आप स्वयं गूगल पर स्वयं सर्च करेंगी तो ही आपको साइट मिल जाएगी, swayam.gov.in, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। शिल्पी श्रीवास्तव जी पूछ रही हैं थैंक्स टेक्निकल गुरु, आई गॉट सिलेक्टेड बाय जस्ट वॉचिंग योर वीडियो, प्लीज़ टेल मी अबाउट फर्दर प्रोसीजर। देखिए फर्दर प्रोसीजर वही होगा, आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, इसके बाद आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना पड़ेंगे और ज्वाइनिंग कर लेना है आपको बाद में, धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो जैसे जैसे प्रोसेस होगी उसके बारे में आप व्यापम पर कॉन्टैक्ट में रहें, व्यापम की साइट पर और MP Online पर भी जो व्यापम का पेज है वहाँ पर आप बिल्कुल देखती रहें साइट को, आपका सिलेक्शन हो गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई शिल्पी जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम, आप बिल्कुल हमें देखते हुए आपका सिलेक्शन हुआ है, हमें वॉच करते हुए, तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई हो।
अगला जो है कमेंट है वो है गुंजा कुमारी जी पूछ रहे हैं, ऑनलाइन करने के बाद जो एक पेमेंट और फॉर्म डिटेल साइट था उसी से, बिल्कुल आपका कमेंट समझ नहीं पाया हूँ मैं, शायद आपका पेमेंट वेमेंट के बारे में कुछ डिटेल है। देखिए जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं, जिस भी जगह आप जिस भी चीज़ में फॉर्म भर रहे हैं, NIOS का कोई प्रॉब्लम है तो NIOS में कॉल सेंटर में ज़रूर कॉल करके पता कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको उसका जो है आपको मिल जाएगा। सोनू पटेल जी पूछ रहे हैं सर वेरिफिकेशन कब तक होगा? बिल्कुल वेरिफिकेशन होगा, आप देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से जब से जॉब नोटिफिकेशन आएगा तब वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, बट आप साइट पर जो है अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप साइट पर जो है बने रहिए, और व्यापम पर और MP ऑनलाइन के पेज पर जो व्यापम पर दोनों जगह रहिए, और महिला और बाल विकास विभाग का जो है महिला और बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की साइट है वहाँ पर भी आप बिल्कुल टच में रहिए, क्योंकि ये जो अब डिपार्टमेंट के पास चला गया है काम, वहाँ से जो है आप जो है सिलेक्शन का आगे प्रोसीजर होगा, इसलिए वहाँ जो है डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है महिला और बाल विकास विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर WCD की MP की उस पर ज़रूर बनी रहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। पीताम्बर सिंह जी एक गुड वे ऑफ लर्निंग, थैंक्स अलॉट, थैंक यू, आपका भी बहुत धन्यवाद। मयंक रॉय जी सर साइट भेजिए, साइट देखिए swam.gov.in है, YouTube में कैसे देख सकते हैं बताया है मैंने आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ये पूछ रहे हैं सर DLED में रजिस्ट्रेशन हो गई है बट मुझे कन्फ्यूज़न है, देखिए जो भी कन्फ्यूज़न है DLED के बारे में आप NIOS के कॉल सेंटर में कॉल करके पता कीजिए, ठीक है। आगे ये शशिकांत जी पूछ रहे हैं, ये इनका कोई कमेंट खास नहीं जी, प्लीज़ डेट बढ़ाई जाए, ओके जी डेट बढ़ाई जाए जी, डेट बिल्कुल बढ़ गई थी, अब पता नहीं डेट बढ़ी हुई है कि नहीं अभी, हाँ बट आप लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, डेट इसमें बढ़ने का कोई चांसेस शायद अब मुझे लगता है जहाँ तक है नहीं। और रियाज उद्दीन कोई फ़ायदा नहीं, ओके ऐसे वीडियो लोडिंग करता रहता है दिखाता ही नहीं जी, रियाज जी क्या हुआ था, मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया था इसलिए वीडियो बना के डाला था तो अब नहीं कर पा रहा है, तो उसमें उसकी प्रॉब्लम है लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्द ही दूर होगी। शिल्पा सेन खंड विस्तार अधिकारी के नोट्स कब तक आएंगे? जी बिल्कुल नोट्स आएंगे, बाज़ार में आ जाएंगे, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं, जल्द ही आएंगे वैसे, अब अगर सिलेबस आ गया है तो नोट्स भी जल्द से जल्द मुझे लगता है आ जाएंगे। DLED फॉर्म में अपॉइंटमेंट डेट में 11/5 के बदले 1/5 हो गया है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? जी बिल्कुल NIOS पे हेल्प सेंटर पे कॉल करके पता कीजिए इस बारे में, बिल्कुल सुधारा जा सकता होगा, हर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है। चैनल्स कैन नॉट बी प्लेड, हाउ कैन बी गेट वीडियोज और लेक्चर्स, व्हाट काइंड ऑफ, देखिए ये ऐप जो है ना इसके बारे में मैंने एक वीडियो यूट्यूब का बना दिया है, यूट्यूब पे देख लीजिए, और वो ऐप जो अभी चल नहीं पा रही है तो मैं उसके बारे में भी आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा सब्र रखिए, वो हो जाएगी ठीक जहाँ तक मुझे लगता है, बट अभी जो है वो चल नहीं पा रही है तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप जो है वेबसाइट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर अगला कमेंट देखते हैं, प्रिया त्रिपाठी जी कह रही हैं अब नहीं बढ़ेगा, कोई न्यूज़ नहीं है सुनाई दे रहा है सर, प्लीज़ बताएं कि बढ़ेगी नहीं डेट। जी डेट बिल्कुल बढ़ने का मुझे लग रहा है जहाँ तक है, तो बढ़ेगी तो नहीं क्योंकि अब नहीं बढ़ेगी डेट। मनोज मार्को जी पूछ रहे हैं UG के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा ज़रूरी करना था? हाँ बिल्कुल करना था, पटवारी परीक्षा में जो UG के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा ज़रूरी करना था, पर CPCT का मैंडेटरी कर दिया है कि CPCT जो 2 साल के अंदर आपको करना पड़ेगी तो वो ठीक है, वो भी ठीक है। अब्दुल मलिक जी पूछ रहे हैं सर घंटों घंटा तक सिर्फ लोडिंग, बिल्कुल लोडिंग हो रही है, घंटों घंटा तक लोडिंग हो रही है सर, हम भी इससे परेशान हैं। और यहाँ पर जो है ये कमेंट है बिंदु शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं प्लीज़ सर नॉन बीएड वालों के लिए भी एक बार फिर से कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कर देना चाहिए, और हमारी आवाज़ पहुँचना चाहिए सरकार तक कि जिससे कि एक बार फिर से जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, नहीं हो पाया है, जिन लोगों का बच्चों का हो या बड़ों का जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका भी, अब वो फिर से कर सकें। और आई गॉट इन्फॉर्मेशन दैट DLED एडमिशन कन्फर्म, नॉट गेटिंग रोल नंबर और आइडेंटिटी कार्ड अबाउट DLED एडमिशन, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए आपका जो है DLED एडमिशन कन्फर्म हो गया है बट नॉट गेटिंग रोल नंबर और आइडेंटिटी कार्ड अबाउट DLED एडमिशन, रोल नंबर और एडमिट कार्ड का यहाँ से क्या रिलेशन है? अभी तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा तब रोल नंबर का रहेगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आप लोगों के कमेंट्स के जवाब मुझे देना था। तो कई दिनों से आपके कमेंट्स, काफ़ी कमेंट्स थे देखिए, और कुछ लोगों के कमेंट्स में शामिल कर पाया हूँ, जिनके नहीं कर पाया हूँ तो प्लीज़ उन लोगों के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और आप सभी लोगों के कमेंट्स के जवाब मैं अगले और कुछ दिन में देने की प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। और जितना वक्त मुझे मिला था मैंने आज 10 मिनट की वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है, आगे भी जवाब देने का प्रयास मेरी तरफ से किया जाएगा। आप लोग जो भी पूछ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है बोल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आपको अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आप लोगों के लिए जिन लोगों का सिलेक्शन मतलब महिला पर्यवेक्षक में हुआ है, हाँ यहाँ पर हमें बताया गया एक हमारी बहन के द्वारा कि उनका सिलेक्शन हुआ है, तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि वीडियो देखते हुए उनका सिलेक्शन हो गया, तो बहुत बधाई है सभी लोगों का। आप सबका सिलेक्शन हो अच्छे से अच्छी जगह, यही हमारी कामना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।